राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ का नामांकन हो चुका है। सहकारिता मंत्री जेएसबीएस राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नामांकन आठवें प्रत्याशी का आप लोगों ने कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के आठ के आठों प्रत्याशी जीतकर उच्च सदन पहुंचेंगे और हमारे पास संख्या बल पर्याप्त है। उस संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, 27 तारीख को जब चुनाव होगा तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सभी प्रत्याशी अच्छे तरीके से अच्छे मतों के साथ जीतकर पहुंच गए। सर, क्रॉस वोटिंग की संभावना बन रही है, माना जा रहा है कि बीजेपी को 6 से 7 अभी विधायकों की जरूरत है, क्या लग रहा है सपा के कुछ लोग आपके संपर्क में? देखिए, हमको क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल है और हम जिन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए हैं तो उन पार्टियों से हम निवेदन करेंगे, उनके पास जाएंगे, बात करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा संख्या बल पर्याप्त हो जाएगा। सर, पल्लवी पटेल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। अब ये निश्चित रूप से है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर विरोध है। अंतर विरोध इसलिए है कि वो कहते कुछ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कर कुछ देते हैं। पीडीए पीडीए इतने दिनों से चिल्ला रहे थे तो पीडीए में पी गायब हो गया, डी बाई चांस एक आ गया और ए गायब हो गया है, तो ये पीडीए कहाँ से रहेगा? अगर उनको सबको समाहित करना था तो एक पी करते, एक डी करते, एक ए करते, तो ये लगता है कि भाई पीडीए है, तीन कैंडिडेट खड़े करते तो तीनों उसमें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उस ए को भी जिसका वोट तो चाहिए लेकिन उसको कैंडिडेट नहीं देंगे। तो इस तरह से अगर उनको वोट चाहिए तो उस वर्ग से कैंडिडेट भी देना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे जेपी राठौर, जिनका कहना था कि जो बीजेपी के आठों प्रत्याशी हैं वो जीत करके राज्यसभा जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।